नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में हम कंटिन्यूस करेंगे और जो आगे का इतिहास है उसमें अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश था और इनका जो ध्वज था उसके ऊपर जो धड़ राखे धर्म को, तिहि राखे किरतार, इनके कुल देवता कुल देवी की बात हुई थी और गुहिल वंश के संस्थापक और गुहिलों की उत्पत्ति की बात हुई थी। अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपन गुहिल साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे। सबसे पहले तो जो अपन बात करेंगे गुहिलों में, तो गुहिलों में प्रारंभ में अपन बात करें, प्रारंभ में यहाँ किस वंश का शासन था, तो प्रारंभ में ध्यान रखना मौर्यों ने जो मेवाड़ वाले क्षेत्र पर शासन किया। ध्यान रखना, प्रारंभ में किसने शासन किया, मौर्यों ने मेवाड़ वाले क्षेत्र पर शासन किया। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि हम देखते हैं कि मौर्यों में एक शासक थे चित्रांगन मौर्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किसका निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, किसका निर्माण करवाया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो ये जानकारी हमें क्या बताती है कि यहाँ पर प्रारंभ में किसका शासन था। देखो, मौर्यों ने पूरे भारत को एक करके शासन किया था, तो चित्रांगन मौर्य ने 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया। एक क्वेश्चन अगर यहाँ पर अपन बात करें, ये किस पहाड़ी पर है, तो एक तो कौन सी पहाड़ी है, चित्रकूट पहाड़ी, और कौन सा पठार है, ये मेसा पठार पर, और दो नदियों का संगम गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया है, चित्रांगन मौर्य के द्वारा बनाया गया है। अब हम बात करें यहां पर 734 ईस्वी में मौर्यों का एक वंशज मान मौर्य शासन कर रहा था और इस मान मौर्य को किसने पराजित किया, तो ध्यान रखना, इसको पराजित किया कालभोज, या जिसे किस नाम से जाना गया, बप्पा रावल द्वारा इसको पराजित किया गया। इसके पीछे की कहानी भी अभी अपन देखेंगे कि क्या कहानी थी। बप्पा रावल द्वारा इसको पराजित किया गया और इसके द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गुहिल साम्राज्य की स्थापना। तो गुहिल वंश की स्थापना, तो ध्यान रखना, किसके द्वारा की गई है, गुहिल के द्वारा की गई है, और गुहिल साम्राज्य की स्थापना कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा की गई है। दोबारा बात करें अपन, आरंभ में शासन किसका, मौर्यों का, चित्रांगन मौर्य ने यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, चित्रकूट पहाड़ी, मेसा पठार पर, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। 734 ईस्वी में इनका एक वंशज था मान मौर्य, यहाँ पर शासन कर रहा था। किसका था, मौर्यों का एक वंशज कौन था, मान मौर्य, जिसको पराजित किया कालभोज या बप्पा रावल द्वारा और गुहिल साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। इसमें हम बात करें बप्पा रावल। तो बप्पा रावल शासक बना था 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। ये बप्पा रावल था कौन, बप्पा रावल का अगर वास्तविक नाम अपन बात करें, या हम इसको बात करें किसके रूप में, कालभोज के रूप में, तो इसकी जो उपाधि है, उपाधि किसने प्रदान की थी, तो उपाधि, तो पहले तो बात करें किस, क्या उपाधि है, बप्पा रावल की उपाधि है, और किसने प्रदान की थी, हारित ऋषि द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई, ये उपाधि कौन सी थी, हारित ऋषि ने प्रदान की, कौन सी उपाधि, बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की।
क्योंकि जो आक्रमण हुए थे यहाँ पर, बाहरी जो आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों से रक्षा की थी हारित ऋषि की काल भोज द्वारा। तो इस हारित ऋषि द्वारा प्रसन्न होकर इन्हें उपाधि दी गई थी बप्पा रावल की। इसके अलावा इन्हें एक आशीर्वाद और दिया गया था कि इनके वंशज सदा मेवाड़ पर शासन करेंगे, यानी कि इनके वंश का कभी भी अंत नहीं होगा। तो इसी आधार पर कहते हैं कि इन्होंने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित किया और यहाँ पर गुहिल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब जो ये हारित ऋषि थे, हारित ऋषि की गाय चराया करता था कालभोज। और एक कहानी यो भी है कि एक गाय ऐसी चमत्कारी गाय थी कि जो सुबह तो दूध देती थी लेकिन शाम को दूध नहीं देती थी। एक दिन बप्पा रावल इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि गाय शाम को दूध क्यों नहीं देती है। तो देखा जाता है कि एक जंगल में गाय जाती है और एक स्थान पर खड़ी होती है और इसके थनों से दूध गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ये उस स्थान को देखते हैं तो वहाँ पर एक शिवलिंग होता है, ये उस शिवलिंग को उठाते हैं और कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर की स्थापना कर देते हैं। और ये मंदिर किसका मंदिर कहलाया? एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहलाया। तो कालभोज ने, ध्यान रखना, कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया कहां पर करवाया? कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, ये क्या है? गुहिलों के लोक देवता, गुहिल वंश के क्या है? कुल देवता। गुहिलों के क्या है? कुल देवता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते हैं, मंदिर में छड़ी लेकर प्रवेश करते हैं, तलवार लेकर प्रवेश नहीं करते हैं और मेवाड़ छोड़ने से पूर्व इनकी अनुमति लेते हैं, जिसे क्या कहा गया है? आशक का लेना कहा गया है। तो गुहिलों के कुल देवता है, कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर है और इसके जो परकोटे का निर्माण किसके द्वारा? मोक्कल द्वारा। परकोटा किसने बनवाया? मोक्कल द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके अलावा बात करें कालभोज की, तो कालभोज के काल में सबसे पहले किसका प्रचलन हुआ था? मेवाड़ में मुद्रा का प्रचलन हुआ। मुद्रा का प्रचलन कहां पर? मेवाड़ में। ध्यान रखना कि कालभोज के काल में मुद्रा का प्रचलन हुआ था कहां पर? मेवाड़ में। इसके अलावा अपन बात करें, इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि कालभोज को उपाधि कौन सी थी? बप्पा रावल की। किसने दी? हारित ऋषि ने। हारित ऋषि की ये क्या करते थे? गाय चराते थे। बप्पा रावल क्या करते थे? हारित ऋषि की गाय चराते थे। और ये कहते हैं कि ये विदेशी आक्रमणकारी आए थे तो उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया और आते समय पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है, ये अपनी उपाधि के अनुसार, रावल की जो उपाधि थी, ये शहर इनके द्वारा स्थापित या बसाया गया था। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी उदयपुर और ये गुहिलों के क्या हैं? कुल देवता। इसके परकोटे का निर्माण मोकल ने और मुद्रा का प्रचलन हुआ था और इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े कि जो नेक्स्ट शासक बने वो कौन बने? वो शासक बने अल्लट। अल्लट, तो अल्लट का जो विशेष है वो ये ध्यान रखना कि इनको एक तो उपाधि है, कौन सी उपाधि? आलू रावल की। ध्यान रखना, अल्लट को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? आलू रावल की उपाधि प्रदान की गई है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि आलू रावल की उपाधि किसको प्रदान की गई है? अल्लट को प्रदान की गई है। इन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया और शिक्षा नगरी उस समय की आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़ को क्या बनाया? राजधानी बनाया। ध्यान रखना, अभी तक चित्तौड़ राजधानी नहीं बना है, यहाँ आहड़ को क्या बनाया गया है? राजधानी बनाया गया है। इनका विवाह हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ, किसके साथ हुआ? हरिया देवी के साथ। ये हरिया देवी हुण राजकुमारी थी और हुण तो ये शक्तिशाली थे, विदेशी आक्रमणकारी थे,
विदेशी आक्रमणकारी या हम कह सकते हैं लड़ाकू थे, तो इनके सहयोग से अल्लट ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अल्लट ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ध्यान रखना, अल्लट ने राजधानी आहड़ को बनाया, विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ जो विदेशी और लड़ाकू थी, और इन्हीं के सहयोग से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ध्यान रखना, इन्हीं के सहयोग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे बात करें, इसके काल में एक तो ध्यान रखना किसका प्रारंभ हुआ, नौकरशाही का प्रारंभ हुआ। नौकरशाही का प्रारंभ हुआ, नौकरशाही जिसे लाल पिताशाही या वेतन देकर कार्य करवाने का जो प्रचलन था वो किसके समय प्रारंभ हुआ, वो अल्लट के समय हुआ। इसके अलावा इन्होंने वराह मंदिर आहड़ में, कौन सा वराह मंदिर कहां पर निर्माण करवाया, आहड़ में। आहड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवा दिया, भगवान विष्णु के वराह मंदिर का, या वराह अवतार का, जो भगवान विष्णु का जो वराह अवतार था इसका यहां पर इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखना, हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया जो विदेशी लड़ाकू थी, इनके सहयोग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहां पर ध्यान रखना, ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ये राजस्थान का क्या था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। ध्यान रखना, ये राजस्थान का क्या था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय। भारत का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो विवाह था वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। तो ये शासक थे अल्लट। नेक्स्ट अपन आगे बात करें कि शासक थे मेवाड़ के शक्ति सिंह। तो इसके अंदर यहाँ केवल एक विशेष बात अपने को ध्यान रखनी है कि शक्ति सिंह के काल में क्या हुआ। शक्ति सिंह के काल में मालवा का एक शासक था। मालवा का शासक कौन था, मुंज। इस मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ध्यान रखना, विशेष बात है, वो अभी अपन और बात करेंगे। कि सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि शक्ति सिंह के काल में क्या हुआ कि मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और इसी के एक वंशज, मुंज का एक वंशज था भोज। इस भोज द्वारा यहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक मंदिर, कौन सा, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना कि भोज द्वारा, मुंज के वंशज कौन थे, भोज द्वारा यहां पर एक त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन हमें जो और भी विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो किसके द्वारा करवाया गया, वो मोकल के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना, किसके द्वारा, मोकल के द्वारा। तो इसलिए इस मंदिर का फिर नाम क्या पड़ गया, इसे अपन क्या कह सकते हैं, मोकल मंदिर, या फिर इसका क्या नाम पड़ा, इसे क्या कहा गया, समिधेश्वर मंदिर भी कहा गया। ध्यान रखना, इस मंदिर को क्या कहा गया, मोकल मंदिर या समिधेश्वर मंदिर कहा गया। तो ये क्या था, ये शक्ति सिंह के समय की एक छोटी सी घटना थी जिसको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखेंगे शासक, आगे जो शासक बने उनकी अपन बात करें। देखिए, आगे शासक बने रण सिंह। ये थोड़ा सा विशेष है, ध्यान रखना, यहां पर गुहिल वंश का विभाजन हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, गुहिल वंश का विभाजन हो जाता है। एक व्यक्ति तो था सेम सिंह और एक व्यक्ति था राहब। कहां चला गया, सिसोदा गांव चला गया। ध्यान रखना, कौन से गांव चला गया, सिसोदा गांव। और ये सिसोदा गांव होने के कारण आगे जाकर ये इनके वंशज क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए, सिसोदा गांव के कारण क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। तो ये यहां से कौन सी शाखा की स्थापना होती है, यहां पर होती है राणा शाखा की स्थापना। ध्यान रखना, यहां पर कौन सी शाखा की स्थापना होती है, राणा शाखा। और ये कौन सी शाखा है, ये स्थापित होती है रावल शाखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि रण सिंह के समय गुहिल वंश दो भागों में बट गया, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। इसमें हम बात करेंगे कि राणा शाखा का जो संस्थापक है वो आगे जाकर हमीर सिसोदिया होगा, और रावल शाखा का जो अंतिम शासक होगा वो रतन सिंह होगा। कौन रतन सिंह, जिसका संबंध किससे था, रानी पद्मिनी से।
जिसके समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ था। तो इस प्रकार यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पर क्या हो जाता है, गुहिल वंश दो भागों में बढ़ जाता है, या गुहिल वंश कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। गुहिल वंश कितने शाखाओं में, दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक आगे बात करें, सेम सिंह के आगे दो शासक, एक तो सामंत सिंह और एक कौन बने, कुमार सिंह या कुमारपाल। अब इनके समय क्या होता है कि देखो 1172 ईस्वी में ये शासक बने, 1172 ईस्वी में शासक बने, और 1177 ईस्वी में, 1177 ईस्वी में क्या हुआ कि नाडोल का एक शासक था, नाडोल कहां पड़ता है, पाली, यहां का एक शासक था कीर्तिपाल ने क्या कर दिया, सामंत सिंह को पराजित किया। ध्यान रखना, कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को क्या कर दिया, पराजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कीर्तिपाल द्वारा सामंत सिंह को क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। देखना कि क्या हुआ, सेम सिंह के बाद शासक बना सामंत सिंह 1172 ईस्वी में शासक बना, और 1177 ईस्वी में नाडोल पाली के चौहान वंश का एक शासक था कीर्तिपाल ने इसको पराजित किया। और कहते हैं कि सामंत सिंह यहां से चले गए, सामंत सिंह कहां चले गए, डूंगरपुर चले गए। और ध्यान रखना इसी डूंगरपुर में इनके द्वारा क्या की गई, गुहिल वंश की स्थापना की गई। महाराजा डूंगरपुर जिनका आपने सुना होगा, गुहिल वंश से संबंधित थे। तो सामंत सिंह द्वारा किसकी, कौन से वंश की, डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना की गई। अब बचा कीर्तिपाल, तो इस कीर्तिपाल को अपन ध्यान रखना कि कीर्तिपाल को कुछ समय पश्चात मेवाड़ी सरदारों के साथ मिलकर कुमारपाल द्वारा पराजित किया गया। ठीक है, कुमारपाल द्वारा पराजित कर दिया गया। अब ये कीर्तिपाल वापस पाली नहीं जाता है, ये भी विशेष ध्यान रखना, कीर्तिपाल यहाँ से पाली नहीं जाकर कहाँ जाएगा, कि यहाँ से कीर्तिपाल कहाँ चला गया, जालोर चला गया। और जालोर के कौन से वंश की, चौहान वंश का संस्थापक कौन बना, चौहान वंश की क्या कर दी, स्थापना। तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कीर्तिपाल की, और डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा, सामंत सिंह की। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा जो परिचय था या गुहिलों की शाखाओं का डिवाइडेशन था, अपन ने देखा 24 शाखाएं थी, उनका अलग अलग डिवाइडेशन होगा। तो इस प्रकार ये गुहिलों की शाखाओं का डिवाइडेशन हुआ और वापस गुहिल साम्राज्य या रावल शाखा चल पड़ी। ये रावल शाखा का अपन अंतिम शासक देखेंगे, महाराजा रतन सिंह या रावल रतन सिंह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।